नमस्ते फ्रेंड्स, एमजी फैमिली किचन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं शकरपारे यानी खुरमा की रेसिपी लाई हूँ और ये शकरपारे जैसे बाज़ार में मिलता है वैसा ही बनके तैयार हो जाता है और ये बहुत ही टेस्टी है। आप सभी लोगों से ये निवेदन है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। और इस रेसिपी को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, बीच में मत छोड़िएगा। सबसे पहले यहाँ पर मैंने कढ़ाई पर तेल डाल के इसको गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। यहाँ पर मैंने एक कटोरी में डाल लिया था, इसको मैंने एक बाउल में डाल दिया है, देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऑयल थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से गून लूँगी। आप लोग घी भी ले सकते हैं फ्रेंड्स, और इसका अच्छी तरह से इसको गूनना है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैंने लगभग 3 से 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दिया था और इसको अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करना है हाथों से, देख सकते हैं। इस तरह का ये हमारा हो चुका है, मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। अब देख सकते हैं इस तरह से करने से ये मुट्ठी जैसा बनता है, ऐसा ही हमको ये मैदा चाहिए था। अब मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका सख्त डो बनाना है। ये शकरपारे जैसे बाज़ार में मिलता है वैसा ही होता है। आप इसे एक कंटेनर में भर के लंबे समय तक भी रखे खा सकते हैं, देख सकते हैं। ये लगभग ये हमारा डो बनके तैयार हो चुका है, देख सकते हैं ये फ्रेंड्स कितना सख्त हो चुका है। ये हमारा डो बनके तैयार हो चुका है। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए ढक्कर रख दूँगी और ये 5 मिनट हो चुका है, देख सकते हैं। अब मैं फिर से चकले पर रखे अच्छी तरह से इसको गून लूँगी, देख सकते हैं। और दूसरी तरफ हमारा ऑयल भी गर्म हो रहा है, देख सकते हैं। इसको मैंने सूखा मैदा लगा के इसको बेल लिया है। मैं इसको साइड साइड से कट कर लूँगी, देख सकते हैं कितनी इजी और आसानी से इस तरह से कट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हो जाता है और कोई मेहमान आए तो आप लोग इसे झटपट बनाकर भी दे सकते हैं फ्रेंड्स, देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसको चारों ओर से कट कर लिया है। अब मैं इसे लंबे लंबे पीसेस में इस तरह से कट कर लूँगी, देख सकते हैं। एक एक कट कट के इसको मैं साइड में रख रही हूँ, ये देखिए। अब मैं फिर से इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ। कितनी इजी और आसानी से इस तरह से कट कर सकते हैं। आपको जैसा साइज में बनाना चाहते हैं वैसा साइज में बना सकते हैं, लेकिन मैंने इस साइज में बना लिया है। और हमारा ये ऑयल भी गर्म हो चुका है, अब मैं इसको डाल दूंगी, देख सकते हैं। और इसको कम आंच में फ्राई करना है ताकि अंदर तक अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाता है। और इस तरह से मैं थोड़ा सा चला लूँगी और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है फ्रेंड्स। और बीच में इस तरह से इसको चलाते रहना चाहिए, नहीं तो ये और इसको अच्छी तरह से चलाने के बाद देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसे एक बाउल में डाल दूँगी और इसी तरह से मैंने बचा हुआ को भी बना लिया है, देख सकते हैं। देखिए, और बचा हुआ को भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। ये हमारा हो चुका है फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ पर फिर से कढ़ाई रख दिया है और उस पर मैं एक कटोरी शक्कर डाल दूंगी। और उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून पानी भी डाल दिया है, देख सकते हैं। अब मैं इसे अच्छी तरह से चला लूँगी ताकि ये चीनी अच्छी तरह से पिघल जाए और एक तार जैसा यानी चिपचिपा से भी बहुत ही गाढ़ा इसे बनाना है, क्योंकि हमें ये थोड़ा सा गाढ़ा चाहिए, देख सकते हैं। इसी तरह से मैं चलाते रहूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा लगभग देख सकते हैं एक तार से भी ज़्यादा ये गाढ़ा हो चुका है। अब मैं इसे डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से चलाते रहूँगी। अगर चलाना छोड़ देंगे तो एक दूसरे से ये चिपक जाएगा फ्रेंड्स, इसी तरह से इसको चलाना है, देख सकते हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी तरह से ये चीनी भी सूख चुका है। अब मैं इसे निकालूंगी और इसी तरह से इसको चलाते रहना चाहिए, अगर चलाना छोड़ेंगे तो एक दूसरे के साथ ये चिपक जाएगा। इसी तरह से मैं चलाते रहूंगी फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा शकरपारे यानी खुरमा बनके तैयार हो चुका है। कितनी ईजी और आसानी से इस तरह से आप लोग घर पर ही खुरमा बनाकर खा सकते हैं। अब मैं इसे प्लेट पर डाल रही हूँ, देख सकते हैं फ्रेंड्स। और दूसरे में मेरा ये बेटा भी आ चुका है खाने के लिए, देखिए ये किस तरह से ये खाने लगा है। इस तरह से बनाकर आप लोग एक कंटेनर पर भर के लंबे समय तक भी खा सकते हैं, यानी कोई मेहमान आए तो इस तरह से बनाकर भी दे सकते हैं। आशा करती हूँ इस तरह का रेसिपी आप लोगों को जरूर ही पसंद आएगा और इस तरह का रेसिपी आप लोग एक बार घर पर जरूर जरूर ट्राई कीजिएगा और कैसा बनता है कमेंट करना ना भूलिएगा। इस रेसिपी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।